आप देख रहे हैं वाल्मीकि रामायण भाग एक एपिसोड 11 आगे की यात्रा। पिछले एपिसोड में हमने धर्म शब्द के बारे में प्रश्न उठाया था, तो आइए देखते हैं वाल्मीकि जी ने धर्म शब्द का प्रयोग किस अर्थ से किया है, रिलीजन या योग्य आचरण। कई बार भाषा में शब्दों के अर्थ समय के साथ बदल जाते हैं और धर्म शब्द की व्याप्ति तो बहुत बड़ी है। आजकल हम धर्म शब्द का प्रयोग रिलीजन यानी किसी श्रद्धा प्रणाली का अनुसरण इस अर्थ से करते हैं, लेकिन किसी शब्द के सही अर्थ को समझने के लिए संदर्भ देखना आवश्यक है। अब वाल्मीकि जी ने किस संदर्भ में धर्म का प्रयोग किया है उसे देखते हैं। विश्वामित्र जी ने जब श्री राम को अपने साथ भेजने के लिए दशरथ जी से कहा तो दशरथ जी ने उनकी बात नहीं मानी। इस पर वशिष्ठ जी ने उन्हें इस प्रकार समझाया, इक्ष्वाकूणाम कुले जातः साक्षात् धर्म इवापरः, धृतिमान सुव्रत श्रीमान न धर्मम हातुमर्हसि। आपका जन्म इक्ष्वाकु कुल में हुआ है, आपको साक्षात धर्म की मूर्ति माना जाता है, आप धैर्यवान हैं और व्रत का पालन करते हैं, आपको धर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। और महाराज दशरथ बड़े धर्मात्मा हैं, ये बात तीनों लोकों में प्रसिद्ध है, इसलिए आप अपने धर्म का ही पालन कीजिए, अधर्म का भार सिर पर न उठाइए। और ताड़कावध के विषय में विश्वामित्र जी ने श्री राम से कहा था, जिनके ऊपर राज्यपालन का उत्तरदायित्व हो उनका तो ये सनातन धर्म है। हे राम, ताड़का में तो धर्माचरण है ही नहीं, उसे तुम मार डालो। इन सभी पंक्तियों में धर्म शब्द से योग्य आचरण, कर्तव्य का पालन या नीति मार्ग पर चलना, यही सूचित होता है। लेकिन क्या करना योग्य है, ये कैसे समझा जाए? ये तो परिस्थिति पर निर्भर होगा। बिल्कुल सही कहा तुमने, योग्य आचरण समझने के लिए परिस्थिति देखना आवश्यक है। हमारे सामने कौन सा प्रसंग है और उसमें हमारी भूमिका क्या है। उदाहरण के लिए, विश्वामित्र जी एक समय में राजा हुआ करते थे, उस भूमिका में राक्षसों से निपटने के लिए शस्त्र उठाना उनके लिए केवल उचित ही नहीं, आवश्यक भी होता। पर अब वे राजा नहीं, एक ऋषि थे, और यज्ञ के चलते हुए शस्त्र उठाना उनका धर्म नहीं, श्री राम का धर्म था। लेकिन मैं ये कैसे समझूं कि मेरी भूमिका में सही आचरण क्या है और क्या गलत? किसी बात पर सोच विचार करके निर्णय तो तुम्हें स्वयं ही लेना पड़ेगा, विचार शक्ति तो है ही तुम्हारे पास। हाँ, मार्गदर्शन के लिए संतों और महापुरुषों का आदर्श हम अपने सामने रखते हैं, और इसीलिए तो हम श्री राम की कथा सुनते हैं। धर्म शब्द पर इस छोटी सी चर्चा के बाद हम लौट चलते हैं ताड़का वन में। ताड़का के साथ युद्ध करने के पश्चात राम और लक्ष्मण ने रात को उसी वन में विश्राम किया। अगले दिन सुबह विश्वामित्र जी श्री राम से बोले, ताड़का वध के कारण मैं तुमसे बहुत संतुष्ट हूं। प्रीत्या परमया युक्तो ददाम्यस्त्राणि सर्वशः, इसलिए बड़ी प्रसन्नता के साथ तुम्हें सब प्रकार के अस्त्र देता हूं। आगे चलकर श्री राम को राक्षसों का सामना करना था, इसी उद्देश्य से विश्वामित्र जी उनको प्रशिक्षण दे रहे थे। यात्रा के पहले ही दिन उन्होंने श्री राम को दो मंत्र शक्तियां दी थीं, बला और अतिबला। अब उन्होंने राम और लक्ष्मण को विभिन्न अस्त्रों और शस्त्रों की शिक्षा दी। उन अस्त्रों की लंबी सूची वाल्मीकि जी ने दी है, दंड चक्र, धर्म चक्र, काल चक्र, विष्णु चक्र, वज्रास्त्र, धर्मपाश, कालपाश,
इत्यादि। ये सूची विस्तार से पूरे दो सर्गों में दी गई है। कभी कभी तो केवल नाम ही नहीं, एक ही अस्त्र के अलग अलग मॉडल बताए हैं। अशनि द्वे प्रयच्छामि शुष्कार्द्रे, मैं तुम्हें दो प्रकार की अशनियां देता हूं, सूखी और गीली। अब सोचने वाली बात है, वाल्मीकि जी इतने विस्तार से अस्त्रों के विषय में क्यों बताते हैं? अगर केवल कहानी ही सुनानी होती तो इतनी लंबी सूची देने की क्या आवश्यकता थी? सूचियों से कहानी रोचक नहीं बनती। इससे ये स्पष्ट होता है कि वाल्मीकि जी उस समय की घटनाओं और परिस्थिति का सही और संपूर्ण चित्र हमारे सामने रखना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने इतिहास लिखा है। अस्त्रों की शिक्षा पूरी हुई, विश्वामित्र जी और राम लक्ष्मण आगे बढ़े और कुछ समय में वातावरण पूर्ण रूप से बदल गया। भयानक लगने वाला ताड़कावन पीछे रह गया और सामने एक सुंदर आश्रम दिखाई दिया। पेड़ों से संपूर्ण आच्छादित पहाड़ियां, विचरते हुए हिरनों के समूह और आकाश में पक्षियों की मधुर ध्वनि, अत्यंत पावन और सुंदर वातावरण था। अगले एपिसोड में इसी सुंदर आश्रम में हम जाएंगे और आश्रम व्यवस्था की संकल्पना क्या थी ये भी हम देखेंगे। इति ह आस, ऐसा ही हुआ था।